पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे के छोटे क्यों होते हैं और कैप्सूल दो रंगों का ही क्यों होता है? कैसे ये फोटो द इंजीनियरों के लाइफ का लास्ट पिक बन गया और एक ऐसी छिपकली जो पानी पर भी चलने की क्षमता रखती है? तो भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 15, जापानी लोग सिग्नेचर करने के बजाय खुद का स्टंप का यूज करते हैं और इसे जापानी में हाइको कहा जाता है और इससे समय की बहुत बचत होती है। वैसे जापानी लोग है ही इतने डिसिप्लिन। नंबर 14, पोलैंड में साइकिल चलाने वाले के लिए अलग तरह से इस तरह का रोड बनाया गया है जो कि सूर्य की किरणों से चार्ज होता है और रात के समय में यह इस तरह से चमकता है, जो कि साइकिलिस्ट के लिए बहुत अच्छी पहल है। नंबर 13, ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये असली जानवर का नहीं है, दरअसल ये चावल के फसल का जश्न मनाने के लिए उत्तरी जापान में कलाकार चावल के बच्चे भूसे से विशालकाय ऊंची मूर्तियां बनाते हैं। नंबर 12, इस फोटो में आप पहले इंसान द्वारा बनाई गई पत्ती देख रहे हैं। यह पत्ती भी असली पत्तियों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अवशोषित करके पौधे की तरह ही ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकती है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि 12 नवंबर 1833 की रात को उल्काओं की बौछार इतनी ज्यादा हुई थी कि हर घंटे 1 लाख उल्काओं को आकाश को पार करते देखा गया था और उस समय कई लोगों ने सोचा कि यह दुनिया का अंत है और उस समय को एडोल्फ वोल्मी का यह चित्र प्रदर्शित करता है। नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर पृथ्वी पर 5 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो सीमेंट से बने सारे इमारत धूल में बदल जाएंगे। नंबर 9, अफ्रीका के देश नाइजीरिया में करीब 3500 साल पहले वॉल्स ऑफ बेनिन नाम की एक संरचना बनाई गई थी जिसे मानव इतिहास में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। वॉल्स ऑफ बेनिन जो 16,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चीन से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। इस रचना को साल 1877 में ब्रिटिशों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। नंबर 8, दुनिया का सबसे छोटा जहरीला मेढक 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा छोटा होता है और इसकी त्वचा मॉर्फिन से भी 200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। नंबर 7, नॉर्वे में एक अंडरग्राउंड तिजोरी बनी हुई है और इसमें दुनिया भर के फसलों को बीज रखे हैं ताकि कभी अगर किसी कारणवश दुनिया के सभी फसलें खराब हो जाए तो यहाँ से बीज निकाला जा सके। नंबर 6, कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला घड़ी पीटर हेनलेन ने बनाया था। हेनलेन ने इस घड़ी को करीब 500 साल पहले यानी कि 1505 में बनाया था, इसलिए इस घड़ी को पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, चार्ल्स जॉन टाइटैनिक के मुख्य वेकर थे। जब जहाज डूब रही थी तो उन्होंने विस्की की पूरी बोतल पी ली थी और -2 डिग्री सेल्सियस पर टाइटैनिक पर पूरी रात बिताई थी, फिर भी रेस्क्यू टीम द्वारा इन्हें बचा लिया गया था। नंबर 4, लेगार्डो डे जेसस क्रिस्टो नाम की यह छिपकली पानी पर चलने की क्षमता रखती है। इस प्रजाति की छिपकली मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में नदियों और पानी के स्रोतों के आसपास पाई जाती है। नंबर 3, ये जो फोटो में आप देख रहे हो कि दो इंजीनियर अपने जीवन के आखिरी पलों में एक दूसरे को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। वे जिस विंड टर्बाइन पर खड़े थे उसमें आग लग गई थी और उन्हें पता था कि वे नहीं बचेंगे और इस फोटो को वन लास्ट हग का नाम दिया गया है। नंबर 2, दवा वाले कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को कैप और दूसरे पार्ट को कंटेनर कहा जाता है। कंटेनर वाला जो भाग होता है वो बड़ा होता है जिसमें दवा भरा होता है। अब इन दोनों भागों का रंग इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को कैप और कंटेनर में पहचान करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए कैप्सूल के दोनों भाग अलग अलग रंग के होते हैं। नंबर 1, पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों का छोटे होने की कई वजहें हैं, जैसे कोई सफाई कर्मी फर्श की सफाई करने के लिए आता है, टॉयलेट बंद होने की वजह से टॉयलेट के फर्श को बाहर से ही साफ कर लेता है। दूसरी वजह यह है कि कई बार छोटे बच्चे टॉयलेट में अपने आप को लॉक कर लेते हैं जिससे डोर नीचे से छोटे होने की वजह से आसानी से बाहर निकल पाते हैं। और कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब टॉयलेट में मेडिकल इमरजेंसी हो जाने पर दरवाजा बंद होने से बाहर के लोगों को मालूम ही नहीं चल पाता कि अंदर किसी को मदद की जरूरत है। आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।